बिहार के वाहन चालकों के दिन अब बिगड़ने वाले हैं। अगर नहीं समझे तो समझ लीजिएगा इस खबर में आगे, क्योंकि घर बैठे अब आराम से चाय पीते पीते भी आपकी जेब कट जाएगी। तो सड़क पर निकलने से पहले इस खबर को जान लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। कुल मिलाकर यदि कहें तो अब जो नियम सरकार लागू करने जा रही है उसके बाद बाइक या कार चलाने वाले लोगों की फजीहत बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, बस ट्रक और टेम्पू वाले भी इस नियम के जद में आने वाले हैं। तो बने रहिए इस खबर के अंत तक और जान लीजिए सब कुछ विस्तार से, क्योंकि ये खबर बिहार से जुड़ी है और बिहार के वाहन चालकों को यदि इस खबर के बारे में पता नहीं होगा तो फिर उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। दरअसल यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो अपने आप ई चालान कट जाएगा और SMS के माध्यम से वाहन मालिकों को इसकी जानकारी चली जाएगी। पटना के बाद अब ये व्यवस्था बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी लागू की जाने वाली है। इसकी पुरजोर तैयारी भी चल रही है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने मंगलवार को यह भी जानकारी दे दी है कि पटना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध चालान निर्गत करने के लिए इंटीग्रेशन का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से पटना में ऑटोमेटिक चालान निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द बिहार शरीफ, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना बना ली गई है। दरअसल पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से 20 मार्च से लेकर अब तक 487 उल्लंघनकर्ताओं का ई चालान काटा गया है। मतलब सड़क पर जिन्होंने नियम के खिलाफ गाड़ी चलाई उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके लिए राजधानी के विभिन्न 30 मुख्य जगहों पर रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर ANPR कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगा दिए गए हैं और इसके लिए यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। अब देखिए किस तरह से जुर्माना लिया जाएगा। बिना हेलमेट सड़क पर निकले तो ₹1,000, बिना सीट बेल्ट ₹1,000, स्टॉप लाइट वायलेशन पर आपको ₹5,000 देने पड़ेंगे। रॉन्ग साइड ड्राइविंग यानी कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर पहली बार अगर पकड़े जाते हैं तो ₹5,000 और दूसरी बार ₹10,000 देने होंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने में आपको फजीहत हो सकती है क्योंकि इससे ₹5,000 का चालान कटेगा और दूसरी बार यदि पकड़े जाते हैं तो ₹10,000 देने होंगे। ज्यादा तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं तो आपको ₹2,000 और ₹4,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ट्रैफिक सिग्नल वायोलेशन में पहली बार पकड़े जाने पर ₹5,000 और दूसरी बार में ₹10,000 देना होगा। बाइक पर 2 से अधिक की सवारी बैठते हुए पकड़े जाएं तो फिर ₹1,000 जुर्माना देने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो कुल मिलाकर बिहार में यातायात नियमों को सुदृढ़ करने के लिए अब सरकार ने कमर कस लिया है और इसी के लिए नए नियम को लागू कर दिया गया है। राजधानी पटना में तो ये नियम लागू है लेकिन अब तमाम जिलों में इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कड़ी में 3 स्मार्ट सिटी का नाम भी हमने आपको बताया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।